Hello student, it's our 37th day of speaking and student, today we are going to discuss about the vocabulary on household. तो स्टूडेंट हाउसहोल्ड मटेरियल्स के बारे में हम वोकैबुलरी जो है इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो इसमें हाउसहोल्ड में यानी कि घरेलू सामान संबंधी जो भी हमारी वोकैब है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सीरीज से. देखो फर्स्ट सीरीज क्या है. सबसे पहला वर्ड है स्टूडेंट अलमीरा. ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अलमारी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं अलमीरा. क्या बोलते हैं अलमीरा. नेक्स्ट है एक अलमीरा स्टूडेंट आजकल ऐसी होती है जो दीवार के अंदर ही फिट होती है. ठीक है, उसको बोलते हैं कबर्ड. ठीक है, कपबोर्ड होता है उसको बोलते हैं कबर्ड. नेक्स्ट आता है ओखली. ठीक है, उसको बोलते हैं मोर्टर. अब तो ओखली आती नहीं, पहले आती थी ओखली. ठीक है, उसके बाद आता है स्टूडेंट अंगारा यानी कि साइंडर. ठीक है, जो अंगीठी में से निकलते हैं ना. और नेक्स्ट आता है अंगीठी. अंगीठी को बोलते हैं हर्थ. क्या बोलते हैं हर्थ. नेक्स्ट आती है प्रेस. प्रेस यानी इस्त्री, जो प्रेस करते हैं ना हम, दैट इज नोन एज द आयरन. नेक्स्ट आता है ईंधन. ईंधन होता है फ्यूल. क्या होता है फ्यूल. अगला आता है स्टूडेंट कड़ाही. ठीक है, कड़ाही को क्या बोलते हैं. तो स्टूडेंट कड़ाही को क्या बोलते हैं कॉर्डन. क्या बोलते हैं कॉर्डन. नेक्स्ट आता है कंबल. कंबल होता है ब्लैंकेट. क्या होता है ब्लैंकेट. नेक्स्ट आता है कंघी. कंघी को क्या बोलते हैं कॉम. क्या बोलते हैं कॉम. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका कुर्सी. कुर्सी यानी कि चेयर. ठीक है, इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं चेयर बोलते हैं. नेक्स्ट आता है कांटा, जिसे हम तरबूज वगैरह खाते हैं, दैट इज नोन एज द फोक. क्या बोलते हैं फोक. उसके बाद आता है स्टूडेंट हमारा कीप. कीप यानी कि फनल. ठीक है, और मर्तबान जिसमें अचार रखते हैं उसको बोलते हैं जार. क्या बोलते हैं जार. नेक्स्ट रो पे चलते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट रो में सबसे पहले आता है चकला. चकला बेलना होता है ना, जिससे मम्मी आपकी रोटी बनाती है. ठीक है, चकला जो होता है हमारा, दैट इज नोन एज द पेस्ट्री बोर्ड. क्या बोलते हैं पेस्ट्री बोर्ड. नेक्स्ट आता है चटाई. चटाई यानी कि मैट. ठीक है, चटाई यानी कि मैट. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा चमचा यानी कि चम्मच. इसको बोलते हैं हम स्पून. क्या बोलते हैं स्पून. नेक्स्ट आते हैं छलनी या चलनी, जिससे चाय पूनते हैं, छानते हैं, उसको बोलते हैं सीव. क्या बोलते हैं सीव. चद्दर को बोलते हैं बेडशीट. व्हाट वी डू बेडशीट. बेडशीट चद्दर जो बिछाने वाली होती है हमारी. ठीक है, वो आपकी चद्दर. नेक्स्ट आती है चाबी. चाबी होती है की. चारपाई होती है कोट. चिमटा, चिमटा को बोलते हैं टंग. चिमनी, चिमनी को चिमनी बोलते हैं. किचन में लगाई जाती है ताकि धुआं जो है वो बाहर निकल सके. ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका चूल्हा. चूल्हे को बोलते हैं स्टोव. क्या बोलते हैं स्टोव. आगे जो बिजली का चूल्हा होता है उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्टोव. क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्टोव. नेक्स्ट आता है छड़ी. छड़ी होती है स्टिक. ठीक है, छाता. छाता होता है आपका अम्ब्रेला. एंड थर्ड रो पे चलते हैं स्टूडेंट हम. तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आता है आपका, सॉरी, सबसे पहले आता है जाली. चूल्हे की जो जाली होती है उसको बोलते हैं ग्रेट. क्या बोलते हैं ग्रेट. ठीक है, और उसके बाद आता है झाड़ू. झाड़ू को बोलते हैं ब्रूम. क्या बोलते हैं ब्रूम. झूले को बोलते हैं स्विंग. क्या बोलते हैं स्विंग. उसके बाद ट्रे, जिसमें आप चाय वगैरह लेके जाते हो, गिलास रखते हो, उसको क्या बोलते हैं ट्रे. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट टोकरी. टोकरी होती है बास्केट. ठीक है, क्या होती है बास्केट. उसके बाद आता है स्टूडेंट डिब्बा. डिब्बा होता है बॉक्स. ठीक है, डिब्बा क्या होता है बॉक्स. डोंगा या कटोरा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बॉल. क्या कहते हैं बॉल. नेक्स्ट आता है तकिया. तकिए को बोलते हैं पिल्लो. क्या बोलते हैं स्टूडेंट पिल्लो बोलते हैं. तकिए का गिलास, इसको बोलते हैं पिल्लो कवर. क्या बोलते हैं पिल्लो कवर. नेक्स्ट आता है तराजू, जिससे मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज द बैलेंस. क्या बोलते हैं बैलेंस बोलते हैं. एक होती है तार. तार होती है वायर. ताला लॉक. तिजोरी सेफ. तंदूर ओवन. ठीक है, तो ये हमारे जो आपके काफी सारे हाउस होल्ड आर्टिकल हो गए. अब एक बार और करते हैं, थोड़े से और रह गए हैं हमारे. ठीक है, थोड़े से और रह गए, उनको भी करते हैं. सबसे पहले इनका जो स्क्रीन पर आए हुए हैं इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे चलेंगे. आगे जो हमारे रह गए हैं उनको कम्प्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखो स्टैंड थाली. थाली को बोलते हैं प्लेट. दर्पण होता है मिरर. माचिस होती है मैच बॉक्स. तीली होती है मैच स्टिक. माचिस की जो तीली होती है उसको मैच स्टिक बोलते हैं. दंत खोदनी, जिसे दांत खोदते हैं उसको बोलते हैं टूथ पिक. दंत मंजन को बोलते हैं टूथ पाउडर. और पेस्ट जो दांत करने वाली होती है, पेस्ट भी होती है. धागा होता है थ्रेड. नलका होता है टैप. जो टूंटी होती है उसको हम टैप बोलते हैं. पलंग होता है बेड. पायदान होता है डोर मैट. प्याला कप. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करके दिखाती हूँ मैं आपको. उसके बाद आता है स्टूडेंट फूलदान. फूलदान को बोलते हैं फ्लावर वेस. ठीक है, वास बोलते हैं वैसे तो इसको. फूलदान को क्या बोलते हैं फ्लावर वास. बर्तन को बोलते हैं पॉट.
बाल्टी को बोलते हैं बकेट, उसके बाद है ब्रश जिसको हम ब्रश ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो चकले को हमने क्या बोला था, ठीक है, पेस्ट्री बोर्ड बोला था ना, तो बेलन को बोलते हैं रोलिंग पिन। थाली होती है डिश, रस्सा होता है रोप, रस्सी होती है स्ट्रिंग, राख होती है ऐश, जो खाना बनाने के बाद चूल्हा जलाने के बाद जो राख बच जाती है उसको ऐश बोलते हैं। लोटा होता है बाउल, शीशी होती है फिल, संदूक होता है बॉक्स, साबुनदानी होती है सॉप केस, और हुक्का क्या होता है हबल बबल, ठीक है। हुक्का जो पीने वाला होता है उसको हबल बबल बोलते हैं, वैसे हुक्का भी बोल देते हैं। तो आगे ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको करना है आपने, ठीक है। और अगले डे में हम अगली वोकैबुलरी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हाउस होल्ड की वोकैबुलरी करिए, आगे हम पढ़ेंगे ज्वेलरी से रिलेटेड वोकैबुलरी, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।